भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें पूरा शहर डूब रहा है। इससे शहर का थाना भी अछूता नहीं। गोपालपुर थाना पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। सालों बाद इस इलाके में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। जलस्तर इतना तेजी से बढ़ा है कि 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है और वाहन डूब गए हैं। थाना के बाहर लगे चापाकल, शौचालय, सब कुछ डूब चुका है। अपराधियों को ले जाने में, अन्य कागजी कार्रवाइयों में पुलिस कर्मियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं आपराधिक घटना होने पर पुलिस मौके वारदात पर नहीं पहुंच पा रही है और उसमें पुलिस को घंटों का वक्त लग रहा है। पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है। अपराधियों को कैद करने वाली पुलिस अब जल कैदी बनकर रह गई है। थाना परिसर में बाढ़ का पानी आने से विभिन्न कांडों में जब्त गाड़ियां डूब गई हैं और तैरने लगी। पूरा इलाका डूब गया है और जहां कभी मैदान जैसा साफ इलाका था, वहां अब चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और उस पानी में नाव की तरह तैरती हुई विभिन्न गाड़ियां दिखाई दे रही है। इस त्रासदी से थाने में तैनात पुलिसकर्मी भी काफ़ी परेशान हैं। उन्हें थाना पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बाढ़ पीड़ित वायरलेस ऑपरेटर रामानंद मंडल ने कहा कि सारी दुकानें बंद हैं। दुकान जाते हैं तो बोलता है राशन नहीं है, मिल पर गए तो कहा आटा नहीं है, हम लोग क्या खाएंगे, दिन रात यही सोचते हैं। थाना में 6 दिनों से पानी है, पीछे से पानी आया है, पूरा थाना जलमग्न हो गया है, परेशानी बहुत है, गाड़ी भी नहीं चल रही, पानी सारा चीज घट रहा है। अब दुकान दौरी भी बंद हो गया है, दुकान भी अब जाते हैं तो बोलता है राशन नहीं है, आटा नहीं है, मिल पर भी गए, मिल वाला भी कहा नहीं मिलेगा आटा, अब हम लोग क्या खाएंगे यही रात दिन सोच रहे हैं। थाना में कब पानी पहुंचा? थाना में तो करीब करीब 4-5 दिन 6 दिन हो गया, 5 दिन ज्यादा हो गया। हाँ, पीछे से पानी आया, आगे से नहीं, पीछे से ही पानी घुसा है। हाँ, इधर पूरा हो गया, जलमग्न हो गया पूरा थाना। कैसे आप लोग कैदी को पकड़ कर यहाँ पर क्या कैसे काम कर रहे हैं? कैदी के विषय में तो बड़ा वो बताएंगे कैसे क्या है, परेशानी हो गई। हाँ, परेशानी तो उसके लिए भी ना है, अब उसके लिए अब गाड़ियां नहीं चल रही है, उधर सड़क पर भी पानी पूरा एकदम जो है सो करंट चल रहा है। वहीं दूसरे बाढ़ पीड़ित श्रवण कुमार, जो कि पेशे से डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उन्होंने कहा कि बाढ़ के आने से काफ़ी परेशानी हो रही है, आवागमन के लिए कोई साधन नहीं है, खाने के लिए भी किसी पदाधिकारी से कोई मदद नहीं मिल पा रही, सामने दुकान है तो वो भी बंद है, हम लोग बहुत त्राहिमाम हैं, चारों तरफ दुकानें बंद हैं, मेडिकल बंद है, बहुत सारे लोग बीमार हैं जिनको ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है, पीने का पानी भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, चापाकल डूब गया है। बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को, अभी आवागमन आने जाने का साधन भी नहीं है, अभी हम लोग को खाने के लिए भी कोई बाहर से पदाधिकारी के द्वारा कुछ मदद नहीं मिल रहा है, और आगे सामने दुकान भी है वो भी दुकान बंद है, बहुत मतलब त्राहिमाम हो चुके हैं हम लोग, अभी चारों तरफ दुकान बंद है, मेडिकल भी बंद है, बहुत सारा बीमार पड़ा हुआ उसको भी ले जाने के लिए साधन नहीं बचा, खाना पीना के लिए बस अपना जो बचा तो पहले वही, अभी बहुत दिक्कत से अभी होना मतलब हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, शौचालय में बहुत पानी अभी है, बहुत दिक्कत हो रहा है शौचालय के लिए, पीने के लिए भी पानी बहुत अभी मुश्किल हो गया, चापाकल डूब गया, पानी पीने के लिए नहीं है, जो बोरिंग है उसमें पानी मतलब गंदा पानी आ रहा है, अभी बहुत परेशानी हो रही है काफी, अभी ये लगभग 3 दिन से पानी है इसमें थाना में। गंगा का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को कुछ सोचने और समझने का वक्त ही नहीं मिला। घर, स्कूल, शिक्षण संस्थान, सड़कों पर पूरी तरीके से गंगा का पानी है। गंगा का पानी अस्पतालों में पूरी तरीके से प्रवेश कर गया है। सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलमग्न हो चुके हैं। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड में यह स्थिति है। गंगा नदी का कहर जारी है। अस्पताल पहुँचने वाले रास्ते में 3 फीट पानी तो अस्पताल परिसर में 2 फीट तक पानी का बहाव चल रहा है। उपकरणों और दवाइयों के कार्टून में पानी प्रवेश कर रहा है जिससे दवाइयां खराब हो रही है। हालांकि इस बीच अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं और डॉक्टर यहां उनका इलाज भी कर रहे हैं। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड भी जलमग्न है जिस वजह से अस्पताल में पानी फैल जाने के कारण स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ मरीजों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। अस्पताल के चारों ओर सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है, वहीं डॉक्टर भी इसी बाढ़ के पानी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से मेडिकल वेस्ट, मसलन दवाइयों के पैकेट, सलाइन की बोतल, निडिल लगी सुई पानी में बह रहे हैं। बता दें कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है जिसके कारण नवगछिया अनुमंडल का गोपालपुर प्रखंड पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। पानी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण बाढ़ का पानी अब घरों में प्रवेश कर रहा है जिसके कारण लोग अपने घरों को छोड़कर ऊँचे स्थान पर जाने को मजबूर हैं। इस इलाके में अब तक राहत और बचाव कार्य नहीं चलाए गए जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
यहाँ के लोग अभी सरकारी राहत का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई भी मदद नहीं की गई है। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हम लोग तो यहाँ रहते हैं, लेकिन ज्यादा परेशानी मरीज लोग को हो रही है, जिससे वो लोग आ नहीं पाते हैं। बहुत आदमी तो आधा आदमी तो घर में ही रह जाते हैं लोग। डॉक्टर पहुंच रहे हैं नहीं? हम लोग यही रहते हैं, इसलिए हम लोगों को दिक्कत नहीं है। हम लोग तो यही कैंपस में ही रहना होता है। कोई सुविधा द्वारा हम लोग जितना है तो हम लोग स्टेबलिश, हम लोग बाकी सब में दिक्कत नहीं है। दवा पानी खाना ये सब में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कम्युनिकेशन का है। वैसा कुछ नहीं क्षति है, क्षति मतलब मामूली सब है जो कि हम लोग उठा उठा के ऊपर कर दिए। जो सामान है पहले से ही जानकारी था कि पानी बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग उठाते जा रहे हैं। मरीज पहुँच रहे हैं? हाँ, मरीज कम आ रहे हैं। इनपुट घट हो गया, घट गया है। मरीज का आना थोड़ा सा कम हो गया है। हॉस्पिटल कौन सा? गोपालपुर हॉस्पिटल। अभी क्या हॉस्पिटल पानी भरा हुआ है? पानी भरे ठोना कम्बल जब डॉक्टर मिले। हाँ मिले। इलाज हुआ? हाँ। कितना इलाज करवाना है? बच्चा को। क्या हुआ था? सर्दी खांसी बुखार। दवाई वगैरह मिला? हाँ। इसे पानी में डॉक्टर को दिखाना है? ना लाओ पर ना होता है। हाँ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।